सो जो क्या गाइस, मैं कृष्णा यार टेक्नोफिस से। एंड गाइस, आज के लिए मैं आपको बताने लूँ कि कैसे हम लोग अपने पीसी में ब्लू स्ट्रैक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे ब्लू स्ट्रैक कैसे पबजी को फ्री में खेल सकते हैं। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को वॉच कर लो। तो इसमें मैंने कहा था कि आपको ब्लू स्ट्रैक में डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा, तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है और आज है 20 मई। रुको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज 20 मई, तो आज मेरा बर्थडे भी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए, आपको अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। उधर आपको भाई लोग दो लिंक मैं दूंगा, एक होगी जो पुराना वर्जन है, एक होगी पुराने वर्जन की, जो जैसे कि आपका लैपटॉप थोड़ा पुराना हो तो उसके लिए, और जैसे कि अगर आपका लैपटॉप थोड़ा नया हो, जैसे कि क्या कहते हैं विंडोज़ 10 या 8, 9 वगैरह का, तो आपको उसके लिए यहाँ पे ब्लूस्टैक 3 डाउनलोड का लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे डाउनलोड ब्लूस्टैक बटन देख सकते हो, तो आपको इनको डाउनलोड कर लेना है। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं तो मुझे हटा देता हूँ, यहाँ पे जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपका डाउनलोड फोल्डर में जाना है। यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर खोल दे रखना है, मैंने दोनों वर्जन डाउनलोड करके रखे, और अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का दे दूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा होगा ब्लू स्टैक 3 होगा जहाँ तक मेरा, तो उसके बाद प्लीज़ मैंने दोनों वर्जन करे हैं ना, इसलिए तो कौन सा है, ये वाला नहीं है, ये पुराना वाला है, ये वाला है। ठीक है, और जो नया वर्जन है वो थोड़ा सा मतलब उसका जो साइज है थोड़ा ज़्यादा है, तो जैसे कि ये देख लीजिए, ये 414 MB का है, और उसका जो साइज़ था, इसका आपको साइज़ में दिखा दे रहा हूँ, उसका साइज 317 है। मेरे जैसे नया वाला है तो मैं इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन में क्लिक करूँगा, तो ये सेटअप के लिए वो मांगेगा, अभी जल्दी लोड हो जाओ। लोड हो रही है यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट वगैरह मैंने GTA 4 किया था उसके लिए पड़ी हुई है। तो गाइस, यहाँ पे ये थोड़ी इंस्टॉलेशन मांग रहा है जो अंदर से है। ठीक है, तो ये इसको इंस्टॉल होने देते, जब ये इंस्टॉल होगा मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है, करीब इसने मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट वगैरह गाइस आपको करने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा, इसको आपके पोटैटो पीसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही आपके पोटैटो पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी जैसे कि ये मेरे में वापस हैंग कर रही है एप्लीकेशन, या सेलिब्रेशन ना चो धना धन, मैं बस चाहता हूँ कि आपको दिख जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, तो इंजन हमारा स्टार्ट हो रहा है गाड़ी का, और इस पर लिख क्या फर्स्ट बूट में टेक अप सम टाइम अकॉर्डिंग टू योर पोटैटो पीसी। देखिए यहाँ पर लिख क्या है ना, स्टार्टिंग ऑफ द इंजन लिख क्या है, तो पीसी के हिसाब से थोड़ा लेगा टाइम। मैं साइन मार देता हूँ यहाँ पे गाइस, में जल्दी इंस्टॉल हो जाए भाई, मुझे 5 मिनट से कम की वीडियो बनानी है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया टैटो चल रहा है भाई मेरा लापी, सच बता रहा हूँ, देख रहे हो। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने इसको सेटअप कर लिया था, पबजी वाले अंकल आपको मिल जाते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको प्लीज़ लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कर दो, बाय।